अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। अस्सलामु अलैकुम, आज है जी थर्सडे, तो आज आठवां रोज़ा है। तो आज की इफ्तारी में घर वालों ने बनाए हैं जी बंद, घर में ही तैयार किए हैं। तो दरअसल मैं कहीं गया हुआ था तो वापस आया हूँ तो ये बंद बन चुके थे। अगर मैं घर में मौजूद होता तो मैं लाजमी इसकी वीडियो बनाता, पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाता कि हमने घर में कैसे बंद बनाए। तो आज हम इफ्तारी में जी बर्गर बना के खाएँगे। तो अभी मैं बर्गर बना रहा हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर तैयार हुए हैं। शामी कबाब बनाए थे साथ में, तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मैंने तैयार कर लिया है। अभी मैं इसको खाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसा बना। तो माशाल्लाह इसे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बना, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। तो आप लोग भी अपने घर में बना के ट्राई कर सकते हैं इंशाल्लाह। फिर कभी अगर बंद बनाने हुए तो मैं इसका मुकम्मल प्रोसेस आपसे शेयर करूँगा। ओके जी, तो माशाल्लाह जी आज है जी फ्राइडे का दिन। हम अभी जुमा पढ़ के निकल चुके हैं, वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। आज सुबह से माशाल्लाह बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी, रेन शावर हो रही है अभी तक हो रही है। तो अभी हम देखें जी जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, माशाल्लाह पहुंच चुके हैं। अगर मैं वेदर की बात करूं, आज वेदर माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। हल्की हल्की फुहार हो रही है, मतलब रेन शावर हो रही है। तो मैं बल्कि हम अभी घर पहुंचेंगे, घर पहुंचने के बाद मैं लोगों को छोड़कर मुझे जाना है ट्रेयर हंट, तो मैं वहां पे पहुँच कर आप लोगों से फिर मिलता हूं, चले आए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेयर हंट पहुंच चुका हूं, अभी मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क कर दी है। तो अंदर चलते हैं, मैं खुद भी देखता हूँ आप लोगों को भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता अभी मैंने क्या लेना है, अंदर जाके देखता हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाती है तो हम वो ख़रीद लेंगे, वरना नहीं घूम फिर के आ जाएंगे, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो चले आए अंदर चल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये देखें ये रहा जी ट्रेयर हंट। तो ये बारिश की वजह से शीशा गीला हुआ, इस वजह से वो ठीक से नज़र नहीं आ रहा। मैं बाहर निकल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है जी, ये है स्टील के ऊपर है ना, वेस्ट ड्राइव और स्टील के ऊपर ये वाला मार्केट है। तो अंदर चलते अंदर चलते हैं जी। यहाँ पे बच्चों के लिए सामान है आप देख सकते हैं, तो और भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है। मैं आगे चलता हूँ आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्या कुछ है। तो अगर आप देखें यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर 70% 60% और ये देखें 50% ऑफ लगा हुआ है। तकरीबन काफ़ी चीज़ें सस्ती हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल में ये लिखा हुआ लिमिटेड टाइम, ये कुछ चीज़ें लिमिटेड टाइम के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी बैग वगैरह हैं, शूज़ हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, और ये देखें यहाँ पे ये है जी गाड़ी के ऊपर से स्नो साफ़ करने के लिए। लेकिन अभी तो विंटर तकरीबन ख़त्म ही होता जा रहा है, अभी तो ज़रूरत नहीं हमारे पास दूसरा है। और इधर ये पेपर टॉवल भी लगे हुए हैं, और इधर ये लंच बॉक्स भी है, कोई $10 का है, बस ज़बरदस्त बना हुआ है। और अगर फ्राई पैन भी है $39 का। और ये है जी सिंक के ऊपर रख के ना ये जाली बनी हुई है, कोई भी चीज़ आपने वॉश करनी है तो इधर सुराख में से पानी निकलता रहता है और आपका फ्रूट वगैरह सब्ज़ी वगैरह वॉश कर सकते हैं। इसी तरह इधर ये चम्मच वगैरह लगे हैं, और ये देखें ये छोटी छोटी $200 की एक है। नो ये बहुत महंगी है।
इसी तरह ये किचन का है सामान सारा। एक ये है छोटी सी फ्रिज $104 की, अंदर से कुछ ऐसी है। इधर भी लगा है सामान, यहाँ पे भी। इधर ये जूतियाँ लगी हैं $10, लेकिन ये विंटर में पहनने वाली हैं, समर में नहीं पहन सकते हैं। ये फोम है ना, फोम, तो जिसकी वजह से अगर गर्मियों पहनेंगे तो पसीना आएगा, तो ये गर्मियों के लिए नहीं है, सर्दियों के लिए है। इधर शूज़ वगैरह लगे हुए हैं, ये बच्चों के लिए, इधर छोटे बच्चों के लिए चप्पलें हैं, जूती। इस साइड पे भी है ये सारा रैक। ये जी कैंची चप्पलें लगी हुई हैं $3-3 की, मुख्तलिफ साइज़ में। ये सारे बच्चों के शूज़ हैं, 70% ऑफ लगा हुआ है, कोई भी ले लें आप। इधर भी ये लेडीज़ के लिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, इधर शर्टें लगी हुई हैं, इस साइड पे पैंट वगैरह लगी हुई हैं, पैंट्स हैं, 70% ऑफ है सारा। तो जनाब सारे तकरीबन, ये ड्रेस पैंटें लगी इस साइड पे, और उस साइड पे साइकिलें भी हैं। यहाँ पे देखें ये 50% ऑफ लगी ये भी साइकिल। और इधर ये मोबाइल के मतलब ना केसेस वगैरह, उसके केबल, हैंड फ्री वगैरह यहाँ पे। ये मुझे तो यहाँ पे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया, तो मेरा ख़्याल मुझे अब चलना चाहिए, कोई ख़ास चीज़ नहीं मुझे मिली यहाँ पे। मुझे तो कुछ नहीं पसंद आया, मैंने कुछ नहीं लिया, तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस, देखते हैं किसी और जगह पे जाके। लो जी मैं तो घर वापस पहुँच ही गया हूँ, तकरीबन ये सामने घर आ गया है। वहाँ से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया, तो ऐसे ही खाली हाथ आज वापस आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह कहीं और चलेंगे, वहाँ से मैं ख़रीद लूँगा अगर जो आइएगा तो। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से पहुँचा। बारिश का पानी ये है जी, यहाँ के पर नाले, यहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है, मैं आपको दिखाऊँ। ये ऐसे फिट किया हुआ है सारा छत के साथ, आज तो पूरी ज़मीन गीली गीली है। अभी भी रेन शावर हो रही है, हल्की हल्की फुवार। और हाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रायर हिंट पे जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी तकरीबन जो हम वॉलमार्ट से चीज़ें लेते हैं, लोग किसी वजह से उसे रिटर्न कर देते हैं, वो रिटर्न शुदा चीज़ें वो सारी ट्रायर हिंट पे जाती हैं, तो वहाँ पे डिस्काउंट करके वो सेल कर देते हैं ना। तो आज मैं इसीलिए गया था, मैं शायद कोई मेरे कोई मतलब की चीज़ मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे वहाँ पे मेरे मतलब की कोई चीज़ नहीं मिली, मैं बस ऐसे ही घूम फिर के फिर देख के आ गया। चलें जी मैंने सोचा अभी मैं व्लॉग को एंड कर देता हूँ, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ओके जी अल्लाह हाफिज़।